राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्राकाल कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रवण मास के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भद्राकाल के समय को अशुभ माना जाता है दोस्तों, और मान्यता ये भी है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अगर भद्राकाल में कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो आप देखेंगे कि उनके बीच में तनाव रहेगा या आर्गुमेंट्स वगैरह इसका जो है कि इस तरह से रहेंगे, क्योंकि भद्राकाल बहुत अशुभ जो है कि ये माना जाता है। ठीक है, इसलिए राखी बांधने का जो पवित्र कार्य किया जाता है वो शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है। यही कारण है कि लोग भद्राकाल में राखी नहीं बांधते। जिन्हें इसकी जानकारी होती है वो लोग नहीं बांधते, इसलिए वो शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भद्राकाल कब से शुरू हो रहा है। देखिए, भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्राकाल की जो है कि शुरुआत हो जाएगी, और ये समाप्त होगा आपका 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 पर। ये समाप्त आप तक आपका हो जाएगा भद्राकाल। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? राखी बांधने का आपका शुभ मुहूर्त रहेगा 1:30 के बाद, जैसे ही भद्रापद आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है कि आपका राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और ये रहेगा रात्रि 9:07 तक रहेगा। ठीक है, कुल मिला के 7:37 जो है कि ये शुभ मुहूर्त राखी का रहने वाला है। इस समय जो है कि आप राखी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रक्षाबंधन आने से पहले ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके शुभ मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का। राधे राधे।